So, today's topic is that is force and pressure. आज रे टॉपिक होची कौन ना फोर्स और प्रेशर. ओके, एट्थ क्लास साइंस डे वन फोर्स और प्रेशर विषय से पढ़िया. तो फोर्स कौन प्रेशर कौन बुझे कि नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर मन रखी था. फोर्स हम कहते कह फोर्स को आम ओडिया कहते एक्चुअली कौन कहना ओडिया कौन कहते ओडिया तो बड़ कहते फोर्स को है कि प्रेशर कोड़े कौन कहते चाप कहते बुझे कि नहीं. तो सही गोटे जिन नोटिस कर प्रेशर मानते गोटे चाप आम चापा प्रेस करवा प्रेशर कौटे आस मनकर ये जो क्लथा मुझे धरी नोटिस कर ये क्लथ्रे के बड़े अच्छी बुझे कि नहीं. ये क्लथ रहा मुझे चापिली पे बुझीपार कि नहीं बुझीना तो मुझे चापुची मैंने कौन मत कह चापिले ये चापिले ना कि छोटे कर दिल चापी आरे पिले चापिली मैंने कौन आप प्रेसर पड़ी ना नहीं आरे पिले चापिली मैंने प्रेसर पड़ी. अच्छा तो प्रेसर पड़ी मैंने बिना फोर्स प्रेसर के पड़ी पार कि मत कह मुझे किसी बड़ अप्लाई कर फोर्स को अप्लाई करोर्स निहत इम्पोर्टाट फोर्स ना प्रेसर आसवानी मुझे फोर्स गोटे दौर बोली बड़ गोटे दौर जो कि प्रेसर पड़ी मुझे चापी दूसरी सैज छोट हो बुझल कि नहीं. तो फोर्स और प्रेसर भर एति डिफरेन्स ना प्रेसर फोर्स डिपेड कै बुझ कि नहीं कौन कहली प्रेसर डिपेड्स अपन द फोर्स यदि फोर्स मुझे नदेवी नदेवी तेज़े प्रेसर आधे पड़ोनी जमी सेम थुआ थोड़ा कहले बुझे ना नहीं छुआ जदि आधे मुझे प्रेसर फोर्स नदेवी आधे टिके भी प्रेसर पड़ोनी मुझे धरिकी या चापिली फोर्स पकईली देख ये कौन हो चापी प्रेसर आधे पड़ा सुबुझे कि नहीं आधे कौन प्रेसर पड़ा सिंपल जिनस. तो विदाउट फोर्स प्रेसर कैन बी अप्लाइड तो प्रेसर डिपेंड्स अपन द फोर्स प्रेसर फोर्स ऊपर डिपेंड करे. तो से विषय में आज पढ़िया बुझिपार कि नहीं. हेलो यस सर. अच्छा तो प्रेसर टा को हमें कही परिबा कौन व्हाट इज प्रेसर ना देखो फोर्स माने कौन फोर्स गोटे एक्चुअली कही परिबा कौन मन कर मुगा गोटे पेल देली तुम छिड़ा हेच मु तुम पेल देली तुम तो आगे मूव कर तुम्हें गोटे जो तीन चक ट्रॉली कहते ट्रॉली देख ट्रॉली देख ट्रॉली ट्रॉली मैंने जानते नहीं जो मैंने कपड़ा फपड़ा पूरे बोक नहीं जाती टूर को कड़े गला बेले बुझे. तो सी जो फोर्स एक्चुअली कितने प्रकार फोर्स फोर्स एक्चुअली कितने प्रकार गोटे हम पुलिंग फोर्स बुझीपार कौन पुशिंग फोर्स पुलिंग फोर्स एज वेल एज गोटे पुशिंग फोर्स पुलिंग फोर्स एज वेल एज ए पुशिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स कौन पुलिंग मैंने तुम जाइए जदि कौन से शोरूम को जाऊ देखु से जो काचर लगी थोड़ा कौन कहल डोर ताको तुम कौन करो तुम पुश कर पेल पुल कर पुश कर तो पुश करने द्वारा तुम गोटे बड़ दौ फोर्स दौ से घुंची जा बुझे कि नहीं. मत गोटे कथा कह जिते बड़े से जो डोर टा को कौन से देख ये डोर टे लगे एमती तुम जो शोरूम को जाऊ डोर एटा बुझ बुझे से डोर रहा लक तुम ये धरिकी पुश कर मुव कर ठीडा हो डोर टा मुव कर तुम्हें आप्लाई कर फोर्स टू अधिक से जो से डोर जी वेट डोर जी फोर्स किसी पकाउ थो से डोर पकाउ फोर्स टू तुम फोर्स अधिक हो कम हो मुव कर दौ अधिक बुझ बुझे कि नहीं. अच्छा फोर्स स्पेशली दी प्रकार कौन गोटे हूँ पुलिंग फोर्स आ गोटे हूँ पुशिंग फोर्स बुझे कि नहीं. मन कर तुम ढाई गोटे ये धरिकी कौन कहल गोटे अटो उपर तुम ढाई मुझे अटोटा को पेल देली अटोटा गड़ी बुझे बुझे कि नहीं अटोटा गड़ी बुझे बुझे. अच्छा चलिए मुझे पुश कल पुश कर गोटे फोर्स पकईली सेमती मन कर तुम्हें धरच मु तुम टाणी आनि तुम्हें मो आड़ छिड़की आसल तो सेठ कह मु पुल करा टाणी द्वारा गोटे फोर्स पड़ा बुझे ना
ହ୍ୟାଲୋରେ यस सर, यस सर, ମନେ କର, ଦେଖ, यस सर, ନୋଟିସ यस କର, सर। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇମେଜ ଟାଇଟି ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ଇମେଜ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ତିନିଟା ଇମେଜ ଦେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲକିପର ଫୁଟବଲଟାକୁ ଧରୁଛି, ଓକେ, କ୍ୟାଚ କରୁଛି ସାର। କ୍ୟାଚ କରୁଛି, ଶୁଣ, ପାଟି କର ନା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି କି ପୁଅଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରଟା ଏଇ ଯେଉଁ ହକି ବଲ୍ଟାକୁ ହିଟ୍ କରୁଛି, ହକି ବଲ୍ଟାକୁ ହିଟ୍ କରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ଟାକୁ କ୍ୟାଚ କରୁଛି, ଧରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ଟା ଏଇଠୁ ଗଡ଼ି 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 ଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ହିଟ୍ କରିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ, ମନେକର ତୁମ ବାବା ତୁମକୁ କି ମାମା ତୁମକୁ ମାରିଲେ, ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଗାଲରେ ଯାଇକି ବାଜିଲା, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, Yes, sir। ବୁଝୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବଲ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା, ବଲ୍ଟା କ'ଣ କଲା, ବଲ୍ଟା ମୁଭ୍ କଲା, ବଲ୍ ତାହେଲେ ସେ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ମୁଭ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକିପର ଧରିଲା ସେ ଗୋଲକିପର ହାତକୁ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, Yes, sir। ଓକେ ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା, ସିମ୍ପଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୁଶ୍ ଅର୍ ପୁଲ୍, କ'ଣ କହିଲି ଏଠି ଯେ ପୁଶ୍ ଅର୍ ପୁଲ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ କହନ୍ତି, ହେଲା, ପୁଲ୍ ବି ହେଇପାରେ ପୁଶ୍ ବି ହେଇପାରେ, ପୁଶ୍ ମାନେ ପେଲିବା, ପୁଲ୍ ମାନେ ଟାଣିବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ପୁଶ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଲ୍, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ହେଲା କି, ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଦେଖ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ପୁଶ୍ ଅର୍ ପୁଲ୍, ଆମେ କେଉଁଠି ପୁଶ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲି, କେଉଁଠି ଆମେ ପୁଶ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆମେ ପୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଚି ନୋଟିସ୍ କର, କିଛି ମୁଭିଂ ଏ ବୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଶ୍ କରିବା ନା ପୁଲ୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ପୁଶ୍ ପୁଶ୍ କେମିତି କରିବା, ବହିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ପୁଶ୍ ବି କରିପାରିବା ପୁଲ୍ ବି କରିପାରିବା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ମନେକର ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବହିଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଶୁଭୁଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଛ, ଏଇଠି ତୁମେ ବସିଛ, ତୁମ ପାଖରେ ବହିଟା ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ପିକ୍ଚରଟା ଟିକେ କରିବା ଭଲରେ, ଏଇଠି ଏଇଠି କରିଛି, ମୁଁ ଶୁଣ, ଏଇଠି ତୁମେ ବସିଛ, ଏଇଠି ତୁମ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଠି ବହିଟା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଶୁଭୁଛି, ଏଇଠି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଠି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ପୁଶ୍ କରିବ ନା ପୁଲ୍ କରିବ, ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବହିଟାକୁ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ବହିଟାକୁ ମାଗୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପୁଲ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ପୁଲ୍ ସେ ନଟ୍ ପୁଲ୍ ପୁଶ୍ କରିବ, ବୁଝୁଛି, ସିମ୍ପଲ ସେଠୁ ବହିଟା ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ ରିସିଭ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ପୁଶ୍ କଲ, ତାହେଲେ ବହିଟା ଆମେ ପୁଶ୍ ବି କରିପାରିବା, ହେଲା, ବହିଟାକୁ ଆମେ ପୁଲ୍ ବି କରିପାରିବା, ମନେକର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଏଇଠି ବହିଟା ଅଛି ଏ ଛୁଆଟା ପାଖରୁ, ଏ ଛୁଆ ଟିକେ କ'ଣ ପୁଶ୍ କରିକି ତା ପାଖକୁ ପୁଲ୍ କରିକି ତା ପାଖକୁ ଟାଣିକି ବି ନେଇପାରିବ, ନେଇପାରିବ ନେଇପାରିବ ନେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ବହିଟାକୁ ପୁଶ୍ କରିକି ଆମେ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବା, ପୁଲ୍ କରିକି ନେଇପାରିବା, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ବହିଟାକୁ ଉଠେଇ ବି ପାରିବ, ବହିଟା ହାତ ବହିଟା ହାତରେ ଧରିକି ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା, ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବା, ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ହାତରେ, ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଇଯିବି, ଲିଫ୍ଟ କରିବି ମାନେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ଏଠୁ ଟେକି ନେଇଗଲି, ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଇଗଲି, ତ ବହିଟା ଆମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ, ତା ବୁଝିପାରିଲାନି, ଏଇଠି ଫୋନଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ହାତରେ, ଏ ଫୋନଟାକୁ ମୁଁ ପୁଶ୍ ବି କରିପାରିବି ପୁଲ୍ ବି କରିପାରିବି, ଆଜି ହେଲେ ଫୋନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ବି ପାରିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ବି ନେଇପାରିବି, ବୁଝିପାରିଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଇଗଲି, ଲିଫ୍ଟ କରିବା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଲି, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ସେମିତି ବୁଝି, ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଡୋର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା, ଓପନିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଶ୍ ବି କରିପାରିବା, ପୁଶ୍ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୋର୍ଟା କେମିତି ତାର କେଉଁଆଡ଼କୁ ଲକ୍ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ଆଇଦର ପୁଲ୍ କଲେ ବି ଖୋଲିପାରିବା, ପୁଶ୍ କଲେ ବି ଖୋଲିପାରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝି, ଡ୍ରଇଂ ଏ ବକେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ୱେଲ୍, ଗୋଟେ କୂଅ ମାନେ, କୂଅ ମାନେ ୱେଲ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ୱେଲ୍ରେ ପାଣି ଅଛି ତଳେ, ହେଲା, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ତୁମେ ସେଠି ଉଠଉଛ, ବକେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ତୁମେ ଉଠଉଛ, ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ଉପରେ ଅଛ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଫୁଲ୍ ପୁଲ୍ କରିବ, ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ, ପୁଲ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଶ୍ କର କି ପୁଲ୍ କର, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ କି ନାହିଁ,
सिंपल, यस सर एवरी टाइम वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, सिंपल। सो फोर्स इज नथिंग बट इट इज ए पुश और पुल। कौन कहली इन साइंस, साइंस रे हमें कौन कहते फोर्स को, फोर्स हमें क्या कही परिबा, ए पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कौन कहते गोटे ऑब्जेक्ट उपर आम कौन पेली पुश करपर कि पुल जदि करवा फोर्स पड़े ताको फोर्स कहते फोर्स डेफिनेशन को बुझे कि नहीं। हेलो अच्छा फोर्स पकड़े शुण, फोर्स जदि अप्लाय करवा गोटे ऑब्जेक्ट रो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बुझुची। मन कर ये गोटे बल थुआई दिस इज ए क्रिकेट बल और फुटबॉल यू कैन से एनीथिंग एनी बॉल एट मुझे पुल करदेवि बर्तमान रेस्ट रे अच्छे मैंने विश्राम अच्छे मुझे पुश करी पुश जो करी कौट जी बलटा मुव हम ना नहीं गोटे कथा कह गोटे छोट पाटे आसब मो कथा शुण म्यूट कर गोटे छोट पाटे आसब पाखापाखि थ्री इयर्स पाटे से छुआटी पुश कर तो बॉलटी जी बाट गड़ी 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 जीव गोटे आसब गोटे छोट छोट पाटे तार बल जी अच्छे सब जगह फोर्स लगे पुश कर जी बाट बलटा जीव गोटे ट्वेल्व इयर्स ट्वेल्व इयर्स पिला आसब सेम बल को रेस्ट थी बलटा को सी पुश कर मत कह से बाट जीव ना अधिक बाट जीव शुण जदि मन कर कम बाट गला ताले में कौन जानिबा कहार फोर्स अधिका के फोर्स अधिका अप्लाई कला बुझी पार्छ कि नहीं जदि कम डिस्टेंस ट्रावेल कला जे माने जे अधिका डिस्टेंस ट्रावेल करछि जा केस रे से अधिका फोर्स अप्लाई करछि जे केस रे कम डिस्टेंस जाय छि से कम फोर्स अप्लाई करछि बुझी पार्छ कि नहीं। अच्छा ठीक अछि तले आइदर हम पुश पुल को फोर्स कहंथि किंतु गोटे कथा नोटिस करो तुम मैंने के कैरम खेली जो कैरम ये सर अच्छा गोटे कैरम इटा होची कैरम मो कथा सुन जा मन दे बुझ सुन कैरम रे एटी तुम स्ट्राइकर रहले एटी ला से कैरम ऊपर गोटे लिक्विड नले पाउडर पकांदी जेंचो नै कम ए पाउडर टा पकांदी कोइ पेरिबो सर खसियो बोले भल खस एक्जाक्टली भल स्लीप हम तले मन कर ए क्यारम उपर कुछ पाउडर पड़नी किसी किसी लिक्विड पड़नी कौन कहली नो लिक्विड नो लिक्विड मैंने क्यारम गोटे लिक्विड भी अच्छे पकड़े बहुत स्पीड जीव फास्ट ट्रावेल कर किसी भी पाउडर भी पड़नी है किसी पड़नी ये आसल तुम्हें गोटे टिंका मारदेल बुझे कि नहीं ए डटा कला ये बाजिला पुणि थे आसला पुणी रिटर्न कर पुणी आसला बुझे कि नहीं तुम्हें तुम हिसाब से तुम बल मार सेम क्यारम उपरे कौन कह सेम क्यारम उपरे नोटिस कर है कि नहीं सेम क्यारम उपरे तुम्हें से बल आप्लाय कल बुझे से बल आप्लाय कल यही केस बल फोर्स आप्लाय कर पुश कर फोर्स कौन कर पुश कर यही केस कौन अच्छी जो स्ट्राइकर टाक पुश कर स्ट्राइकर रे कौन अच्छी ना लिक्विड पड़ी लिक्विड मैंने क्यारम लिक्विड जो कहते ना कि तुम पा ढाल क्यारम लिक्विड अच्छे फास्ट ट्रावेल करने जीक फोर्स आप्लाय कर सेम फोर्स आप्लाय कल सेम फोर्स तुम पुश कल तेल कहटी ये स्ट्राइकर टा जी थर इू थे जाए बाजिला बाजिक थे एटी बाजिला आस रहीगला से बाट जीव ना अधिका थर से रिबाउंड हम अधिक थर हम मान कौन यू से थे गला पुणी थे आसब पुणी थे दरकार पड़े आसब पुणी थे आसिक पुणी रहा बुझे कि नहीं जो ये थे गला थे जाए वाले बाजिक आसिक आउ थे रहा ये थे जाए बाजिक पुणी थे जाए पुणी आसिक रहा ये अधिक डिस्टेंस ट्रावेल गला अधिक थर रिबाउंड होती मत यही केस कौन हो केस कौन होपर एनी आईडिया सुझ नहीं सर
फर्स्ट केस रे हम जितनी फोर्स लगे थे सर कम रिबाउंड है थला सर सेकंड केस रे सेम फोर्स लगे के अधिक रिबाउंड है ला अधिक रिबाउंड है काहे के ला तार कारण ना कोन एक्चुअली सर मो सर रे थे लिक्विड बोट सेकंड वाला फास्ट वाला रे माने हम फोर्स लगी ना गोटे के कहू जी मु कहि बोली मुकेर कहू जी मु कहि बोली सर हां कॉल कॉल लड्डू सर को सर फर्स्ट केस रे सर एडी किछ लिक्विड नथला फ्रिक्शन डा सर अधिया बढ़तला सर सेकंड केस रे लिक्विड अछि फ्रिक्शन डे कम बढ़ला हां तो से फ्रिक्शन कोन बुझि नै फ्रिक्शन टा कोन एक्चुअली ओरे नोआ टर्म से छुआ कहलेनी फ्रिक्शन का बिषय कोजि से फ्रिक्शन बिषय कोजि फ्रिक्शन बिषय के आइडिया अछि अरे जहा को हम कहंती घर्षण बल कहंती ओडिया ते कोन कहंती घर्षण देखो मु ओडिया टा एदि पई कहउछि जो वाट घर्षण घर्षण माने एक्चुअली कौन कहले पे गोटे क्या सर घसी हूँ सी घसी हूँ मानते कौन रब हूँ रबिंग कहते इंग्लीश कहते रबिंग हूँ जो कि पाउडर पड़नी ये जो क्यारम सरफेस कौन कहली ये जो क्यारम सरफेस आज स्ट्राइकर सरफेस सहित कौन हो रबिंग हूँ तो फ्रिक्शन कोडी अधिक है ए केस रे फ्रिक्शन अधिक है ना एडी फ्रिक्शन अधिक है कोड फ्रिक्शन अधिक है उची जते बेले किछि सुनो जते बेले किछि लिक्विड पड़िनि नो लिक्विड रे पाउडर जते पड़िछि ए केस रे फ्रिक्शन ता अधिक है उची फ्रिक्शन माने घर्षण बल माने ए स्ट्राइकर सहित तो जो कैरम रो जो सरफेस दीटा सरफेस एक्चुअली घसी बोंती एटा सरफेस दीटा सरफेस को सरफेस गोटे होची तमरो कैरम रो स्ट्राइकर रो सरफेस कौन ना क्यारम सरफेस क्यारम सरफेस मैंने बुझ पार्छे कि नहीं जहाँ उपर से स्ट्राइकर टा मूव कर पा मैंने शुभ ना नहीं दीटा सरफेस किए किए ना गोटे हूँ तुम स्ट्राइकर सरफेस आ गोटे हूँ क्यारम सरफेस दीटा सरफेस घसी हूँ बुझ पार्छ घसी फल रबिंग फल फ्रिक्शन जेनरेट हो फ्रिक्शन फ्रिक्शन गोटे वन टाइप ऑफ फोर्स सुन सुन था हिडन फोर्स जिते फ्रिक्शन जेनरेट हो तो यही केस जेहतु किसी लिक्विड ना तो ये अधिका फ्रिक्शन हो जो कि ये थे जाए बाजिक ये रही जा लिक्विड नहीं ना तो ये मोर फ्रिक्शन जेनरेट हो कौन हो मोर फ्रिक्शन बुझिपार कि नहीं फ्रिक्शन माने एक्चुअली कौन फ्रिक्शन मान घर्षण बल मान कौन गोटे अपोजिंग फोर्स की फोर्स फ्रिक्शन टा गोटे अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन टा गोटे अपोजिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स मान बुझिपार कि नहीं मन कर गोटे डोर एटा गोटे रूम रो तुम स्कूल रो एटा होची रूम हला ए रूम रे एटी डोर टा अछि एटी डोर टा अछि एटी हला जते बेले तुम एंट्री करू छ तुम्हें तुम फुल फोर्स एंट्री कला बेले तुम सांग कौन करमको अपोज कर बुझ बुझे नहीं मत कह तुम कह तुम से जापर कि अपोज कर जार बड़ अधिका हे से पीले नहीं पल ठीक ना नहीं बुझिपार यदि उभयर बड़ इक्वल हो तुम पिली पार क्या पिली पार ना बुझे ना फ्रिक्शन से बड़े अपोजिंग फोर्स जिते बड़े आम गोटे स्ट्राइकर को दे फोर्स देले पुलिंग फोर्स देले पुशिंग फोर्स देले से स्ट्राइकर को गला क्यारम सरफेस सहित घसी प्रथम किसी बट आसला है कि नहीं तो जेपर्यंत आम अप्लाई कर फोर्सटा से फ्रिक्शन फोर्स टू अधिका ही चलती है से पर्यटन क्यारम टा ये आसला ये पहुँचला ये पहुँचला ये पहुँचिक रहीगला जो रहीगला मत कह से जगह कहार फोर्स अधिका है सेठी आम जो फोर्स अप्लाई करते से अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स भितर इक्वालिटी आसीगला समान होगा जो आसी रही गला शुभ कि नहीं कौन कहली फोर्स दीटा फोर्स गोटे फोर्स कौन रहा गोटे फोर्स तुम अप्लाइड फोर्स कि फोर्स अप्लाइड फोर्स कौटा अप्लाइड फोर्स कौटा जो फोर्स टाइम अप्लाई कले पकड़े से क्यारम स्ट्राइकर उपर शुभ ना नहीं बाजिला परे तो हम जते बेले हम अप्लाइड फोर्स टा फ्रिक्शनल फोर्स टू अधिक हबो सेतले स्ट्राइकर टा मूव करिवो कोन कहले सुबले कि नहीं
फ्रिक्शन हूँ गोटे अपोजिंग फोर्स से सब अपोज कर बुझे ना नहीं आरे पिले शुण जदि अपोजिंग फोर्स न था फ्रिक्शन न था आम फुटबल आम गोटे पड़िया को लेकिन गोटे फुटबल टे गोईटा मारदे था किक करदे था से फुटबल टा खाली अनलिमिटेड पर्यटन गड़ू था से जाएंगे किसी समय पर रही जाऊँ ना नहीं कहीं रही जाऊँ फ्रिक्शन फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या भितर ना फुटबल सरफेस आ ग्राउंड सरफेस भितर फ्रिक्शन फोर्स जो से रही जाऊँ जे पर्यंत आम आप्लाइड कर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स टू अधिक हे से पर्यटन से अब्जेक्ट टा मुव कर कौन कहली बुझे ना नहीं कौन कहली आज लॉन्ग एज कौन कहली आज लॉन्ग एज द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन और लार्जर देन कह पार इज लार्जर देन द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जे पर्यंत अप्लाइड फोर्स टा अधिक हेबो का टू फ्रिक्शनल फोर्स टू से पर्यंत द ऑब्जेक्ट्स विल मूव और नॉट यस सर हां सेते बेला पर्यंत से ऑब्जेक्ट टा मूव करिवो सुबुची यस सर यस सर टिल देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोले कौन फुटबॉल ही परे किसी भी स्ट्राइकर ही परे किसी भी परे द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव ना बुझी पाले नहीं कौन कहली सो ऑब्जेक्ट टा मूव करिवे चालू रखु थिबो सिंपल जिनस सुबुझी अच्छा यस सर जोटी यस सर देखो जोटी इक्वल हे गेले आ जाई परिबोनी कौन कहली इक्वल हे गेले जाई परिबो नहीं दीटा पिला अछंती कि चारटा पिला अछंती एपट दीटा पिला अछंती एपट दीटा पिला अछंती एटी गोटे समथिंग गोटे कोन लागिछि हले कि नहीं उभय पिला ए दीटा दुकु टाणुछन दौड़ी रे ए दीटा को दौड़ी रे टाणुछन माने एटी गोटे बॉक्स टा कोन अछि ए दि जन पिला जो एडट रोप टा एक्चुअली रोप टा एपट को टाणुछन आ गोटे पिला एपट को टाणुछन जदी उभय साइड रे पिला को फोर्स इक्वल हो मते को एटा मूव करिवो करिवो नो सर नो जोटी जो साइड थी नो सर ये जोड थिबो सेट रहइबो मनकर एही पटे पिलांग एटा होच मनकर ए साइड एटा होच बी साइड मनकर बी साइड पिलांग फोर्स अधिक हेबो तले ए ऑब्जेक्ट कोड मूव करइबो इयाड मूव करइबो सुझि कि नहीं ठीक से मनकर ए जो ए ए साइड से पिला छन ए साइड से जो पिला छन से मनकर फोर्स अधिक हेबो तले से कोड मूव करइबो ए साइड सुझि कि नहीं तल ठीक से एमती जे पर्यंत अप्लाइड फोर्स टा हम फ्रिक्शनल फोर्स टू अधिक हे चलीतिबो ग्रेटर हेतिबो लार्जर हेतिबो से पर्यंत सब्जेक्ट टा मूव करथबो जोटी से माने इक्वालिटी आसी गला से मूव करिवे आउ करिवे नै कोन कहली सुले कि नै हेलो दे यस यस सर जोटी द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द की फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स म्यूट कर दियो यदि अप्लाइड फोर्स टा फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल हे गला ताले ऑब्जेक्ट मूव करिवो ताउ करिवनी बाबा जेमने ए केस रे कहली द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग कोन कहली प्लेस बोले कि नहीं से केस रे कोन हबो द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग से मूविंग बंद कर दबो ना बुझ पाले नहीं ओके अच्छा यस सर फ्रिक्शनल फोर्स माने को की फोर्स कहली तुमको फ्रिक्शनल फोर्स माने की फोर्स कहि छी इट इज व्हिच काइंड ऑफ फोर्स अपोजिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स सब बेले अपोजिट अपोज करिवो अपोज माने विरोध करिवो सुझि कि नहीं फ्रिक्शनल फोर्स इज ए अपोजिंग फोर्स ये सब नो अच्छा तो जते बेले एट तुम कोन कहली ए जो एग्जांपल ला बुझौ दिले जते बेले एटी हमें अप्लाइड जो फोर्स करले स्ट्राइकर ऊपर स्ट्राइकर टा प्रथम एठू जाएंगे एठी पहुंचला एठू जाएंगे एठी के आसीला पुनी एडी से रही गेला तले एही जगह रे कोन होईची अप्लाइड फोर्स जति की फ्रिक्शनल फोर्स जति की ना अधिक आछ सेम सेम होच सेम हे जिवे रो से बगले रही गेला त माने एठी अप्लाइड फोर्स किछ नाही फ्रिक्शनल फोर्स त माने एठी फोर्स सरी गेला त जो फ्रिक्शनल फोर्स तले कोन होला और के देला त एही जगह रो से अप्लाइड फोर्स कमबे आरंभ हेला ये सब नो यस सर
कहले देखी यही जगह रे जते बेले ऑब्जेक्ट एस एट पहुंचला तो एट अप्लाइड फोर्स अधिक ना फ्रिक्शनल फोर्स अधिक है अप्लाइड फोर्स सुनो चुप हो जा ना जदि एट फ्रिक्शनल फोर्स अधिक ऑब्जेक्ट एट रही जाता जा पार ना लेकिन ऑब्जेक्ट एट रही पुणी एट मूव कर अप्लाइड फोर्स अधिक अच्छी फ्रिक्शनल फोर्स काटिक आगे माड़ी पुणी चलती पकईदे कौन ये लिक्विड पकईदे लेकिन कौन पकड़े लिक्विड पकड़े मान कौन सी कौन कर दिला से फ्रिक्शन टाक कमेले ना बढ़े दिला लिक्विड पकड़ फल क्यारम लिक्विड एक्चुअली खाली लिक्विड ना कि लिक्विड क्यारम लिक्विड गोटे अच्छी एक्चुअली तो यही केस मत कह फ्रिक्शन टा बढ़ी ना कमी यही केस फ्रिक्शन टा अधिक ना कमी ये फ्रिक्शन टा अधिक ये फ्रिक्शन टा कम शुभचि ना फ्रिक्शन ये कम जो फ्रिक्शन टा कम अच्छी फ्रिक्शन मैंने तुमको कहली अपोजिंग फोर्स यही केस अपोजिंग फोर्स कम अच्छी यहाँ अधिका डिस्टेंस ट्रावेल कला यहाँ कम डिस्टेंस ट्रावेल कला शुभ कि नहीं ये फ्रिक्शन लेस है कौन है ये फ्रिक्शन रिड्यूस हो गला कमी गला क्या फल कमी गला जी हमें कैरम लिक्विड टा पकई दिले कौन कहले पिले सुबिला ना नहीं देख मो कथा शुण फोर्स गोटे कनसेप्ट आसे फ्रिक्शन गोटे जिन आसा घर्षण नुह कि आसने ना अरे फोर्स गोटे जिन आसा कौन ना फ्रिक्शन गोटे जिन आसा अच्छी से जिन अच्छी एक्चुअली लेकिन एक्सप्लोरिंग फोर्स जिन अच्छी आम देखा बिना जब फ्रिक्शन न था पे मन रखी था आम मैंने ये बसी पार ना आम मैंने उड़ू था उपरे कौन कहले सुबिले कि नहीं आम मैंने कौन कर था हाँ कह सार सुपने की तले आमे तले में फोर्स कौन जान ले गोटे फोर्स गोटे कौन फोर्स गोटे कौन फोर्स गोटे कौन एडी कहले बा फोर्स गोटे हो पुश एंड पुल पुश भी हो पारे पुल भी हो पारे ठीक है अच्छा तापर जे फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन कौन दा माने फोर्स काहे के असे त दीटा ऑब्जेक्ट रो बा दीटा बॉडी रो इंटरैक्शन जो फोर्स है कौन से इंटरैक्शन इंटरैक्शन कौन एक्चुअली कुछ रेट देखो नोटिस करो से कहूँ ये गोटे कार थुआ फिर इज ए कार एक्चुअली बुझे ये गोटे कार अच्छे जिते बड़े ए कार को ये जो पचर थी लोकटे किसी फोर्स अप्लाई कला तमें से कौन कला पुश कर पुल कर ये कौन कर पुश कर तो पुश कर मैंने कौन कर गोटे फोर्स अप्लाई कर ये सर नो तुम्हें रास्ते नदी तुम्हें गोटे रिवर साइड रुह तुम गोटे रिवर साइड ढाई तुम सांग तुमको पुश करदेला मैंने कौन तुमको फोर्स गोटे पकला सुची नहीं तो तुम्हें कौन कल नदी को गली पड़ल ठीक सेमती करनी मुझे एक्जामपल सहित कह बुझाप तो ये जो कार स्टेशनरी कार स्टेशनरी कार मैंने कौन कहल स्टेशनरी कार मैंने द कार इज एट रेस्ट रेस्ट पोजिशन अच्छे रेस्ट मैंने तार मुमेंट ना रेस्ट मैंने कौन ऑब्जेक्ट को नो मुमेंट समय अनुसार तार तार पोजिशन चेंज होना इट्स पोजिशन इज कन्स्टांट ए पोजिशन से ये अच्छे जो पुश कला से कार टा मुव कर आरंभ कला से फोर्स पकड़ से कार टा मुव कला सुझे कि नहीं तो ये कौन जान लें ये जान लें जिते बड़े ये जो लोकटी ये लोकटी कौन कला गोटे पुश करवा द्वारा से लोकटा आ कार गोटे इंटरैक्शन है गोटे संबंध है कौन सी देख मुझे क्या पेली मानने से लोक सहित जो इंटरैक्शन न करी मुझे पेली पारि कि नदर की पेली पारि पेली पारि है कि नहीं देख ये गोटे कथ मन रखे ये जो लोकटा से पेलुच पेलवाई से कार टाक छुईवाक पड़ो ना छुईवाक पड़ोनी पड़ अरे छुईवाक पड़ो है कि नहीं ये लोकटा को कंटाक्ट करने को पड़ी
करके पड़ी कांटेक्ट हला तले एडी से कोन ए जो फोर्स कमे को कांटेक्ट फोर्स की फोर्स कहबा कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट फोर्स माने बिना टच रे से पेली परिबो नाही तमे छिड़ा हे जो मु तुमको पेली के गळे बगे चाहू छी मु बिना कांटेक्ट रे तुमको मैं पेली परिबे कैन आई पुश यू नो हला कि नहीं तो जोटी टच निहाती आवश्यक माने ताको तांकर मूवमेंट करिया पई तो से टाइप रे फोर्स कमे कहंदी कांटेक्ट फोर्स बुझि रे नहीं Yes, चल नोटिस करो जिते बेले लोकटे पेलुछ से कार्ट वो से कार्ट आउटन कोड जीवो मते को ए लोकटा जो फोर्स अप्लाई करछि रह ठीक ए लोकटा जो फोर्स अप्लाई करछि से फोर्स रो डायरेक्शन रे कोड एक्चुअली इयाडे पडुछि ना इयाडे पडुछि कोड पडुछि एटा होची मन कर एटा होची हमर लेफ्ट साइड एटा होची हमर राइट साइड एटा होची लेफ्ट साइड मन कर म कहू छी हमर हम स्क्रीन अनुसार ए जने हम स्क्रीन हुए तो स्क्रीन एटा होची राइट एटा होची लेफ्ट तले फोर्स अकॉर्ड पड़ छी राइट रु लेफ्ट पड़ छी कि नहीं यस सर यस सर राइट रु लेफ्ट न को एटा का हम ईस्ट मानिबा एटा का हम वेस्ट मानिबा तले फोर्स अकॉर्ड पड़ छी ईस्ट रु वेस्ट पड़ छी कि नहीं तले से कार रो मूवमेंट कोड होबो वेस्ट वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट को मूवमेंट हो त माने जते रो ऑब्जेक्ट मूव करिवो इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कहली एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कहिस बोले कि नहीं से फोर्स रो डायरेक्शन से मूव करिवो फोर्स जो डायरेक्शन में अप्लाई करथिबा से डायरेक्शन सबले से मूव करियो ये सब नो हेलो रे यस सर यस सर एट देखो जो पिक्चर ता देई छी कोन पिक्चर ता देई छी एटी किए क्या को कह मन कर गोटे एटी होची ए छदी दि जन का नाम दे दु छिला ये होची हम जानवी ये होची निकिता किए क्या को पेलु चंदी शुभने की यस सर किए क्या को पेलु चंदी सर बहुत खुश बहुत दादी जणला को पेलु छंती एडी उभय देखो ये भी गोटे फोर्स आधे को अप्लाई करछु ये भी गोटे फोर्स आधे को अप्लाई करछु सुबि छि कि नहीं तो एडी उभय पुश पुश करछन्दे उभय का करछन्दे पुश करछन्दे ना कि पुल करछन्दे देखु ना सुबि छि कि नहीं उभय एडी का करछन्दे पुश करछन्दे ए जटा ए जरे का करछ आखु पुश करछु ए जटा आखु पुश करछु तले एडी ए माने कर जो डायरेक्शन ता उभय डायरेक्शन करउछि अपोजिट डायरेक्शन हो सुझ कि नहीं ये याड पेलु छी ये ताऊ याड पेलु छी हला जार बड़ अधिक हेबो से ताऊ से डायरेक्शन में माटी जीवो यस और नो यस अच्छा यस सेम जे हमर एस देव सेम वर्तन ये दिटा बड़ छु आसी गेले तो एट से माने कोन करचुंती एड कोन करचुंती पुल 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 हो छी पुल पुलिंग करछन से माने नोटिस कर मन कर ए जो झीटा जो अछि जे बाइगनी ड्रेस पिनछि वायलेट कलर से त हाथ टको छाड़ी देबो आरो अवस्था कोन हो कहले से पड़ी जो काहे कि से पड़ी जाउ छि कहलो काहे कि पड़ु छि तर कारण त कोन सर पुल हो छन जे हेतु ना अरे सुनो अरे ये तो सुनो ए जो झीटा आकु टानु छि ए झीटा आकु टानु छि तले ये हाथ रे छाड़ी देबो ये कहीं की पड़ी जो तो कारण ना कौन सर हाँ कहो सर तो ये लगू छाड़ दबो सर ये जो फोर्स टा आ ऊपर पको चला सर से ठीक नथिव फोर्स टा पके पे से सर से तले बजो ना सुनो एटा हो जे मन को बी बी गर्ल एटा हो जे ए गर्ल तो बी गर्ल का तो का पर तो फोर्स पको नहीं पुल गला बेले ये ताकू टाणु छी ये आकू टाणु छी ये सब नो जड़े छाड़ी देव तार जो टाणी पुलिंग फोर्स टा है कि नहीं तार ऊपर पड़ो सी सीटू टाणी पड़ जीव ये सर नो
ठीक है नहीं? यस सर। एमती केबे हेई छी, एमती केबे हेई छी तुम सहित? यस 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 अच्छा भाई बोन में लगे लगे सब करंत ना को अच्छा हम देखिए ए केस के उठान जो कहलो ए एग्जांपल टा सर से मैन टाणु छी एडी बहुत लोग पुल करु चंदी सर बहुत सर बहुत पुल करछ मैन मैन भी टाणु छी काउटा को टाणु छी हले कि नहीं काउ भी मैन टा को टाणु छी तो बहुत पुल करु चंदी समझे कि नहीं तो एटी नोटिस करो एटी एमाने को फोर्स टा ये जो झटा टाणु छी एमाने को फोर्स टा कोड देउ छी देखो ये जो फोर्स टा अप्लाई कर छी ये इयाड जाउ छी फोर्स टा ये जो फोर्स टा अप्लाई कर छी ये इयाड देउ छी जे बुझि परछ कि नहीं अरे अच्छा एटी फोर्स डायरेक्शन देखो खाली फोर्स डायरेक्शन अपोजिट रे छी ना नहीं ना सेम डायरेक्शन रे छी अपोजिट रे सर अपोजिट अच्छा जेतेले पुलिंग करू छी नोटिस करो ए जो लोकडे टाणु छी आकु टाणु छी त निज आड़ को गाइड भी से लोकडा उठाणु छी त निज आड़ को तो एटी भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन छी ना सेम डायरेक्शन रे छी नोटिस करो अपोजिट डायरेक्शन ने लागि नहीं डायरेक्शन एटी फोर्स कोड रे छी ना अपोजिट डायरेक्शन रे छी माने उभय अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर छथि बुझु छी नहीं जहार फोर्स अधिक हो से त टाणने की पळै जइबो ठीक ना नहीं तमने मुंडो एटु हमें कांसेप्ट को बुझुचंती जते बेले एटी फोर्स पडुची तले दी जन जको छियोटी इंटरेक्शन करचंती कि नहीं परस्पर इंटरेक्ट माने को ता हाथ को हाथ जोडी हिची इंटरेक्ट करचंती जदि न लागिबो ए जो दीटा छियो जदि हाथ को हाथ न जोडी हेबो ये को ताको का को फोर्स ना के का ऊपर फोर्स पके परिबे केन दे अप्लाई फोर्स अन इचे कर परिबे नहीं तांको छुई बे को पडियो इंटरेक्शन करय को टच करय को पडियो हला कि नहीं ए जो लोकटा ये गाय सहित इंटरेक्शन केमी दे ना ये रोप थ्रो रही बुझे कि नहीं इंटरेक्शन मैंने उभय किसी ना किसी माध्यम मैंने टच छुआ छुई होती बुझे कि नहीं हेलो रे ये कौन जाने ये जान लें दीटा अब्जेक्ट दीटा एनिमल कि ह्यूमन हूँ दीटा अब्जेक्ट हूँ तक फोर्स पड़ोग गोटे इंटरेक्शन निहत दरकार यस और नो इंटररिएक्शन माने से माने आइदर लगा लगे कि से टच हेबे छुआ छुई हेबे नले फोर्स पड़ी परिबो नाही से माने कतरे इंटररिएक्शन माने एड जे में इंटररिएक्शन हे जेने लगा लगे से दौड़ देके धरि टाणु छी बुझु छी तले दीटा ऑब्जेक्ट भीतर फोर्स पड़ी गेले दे शुड बी इंटररिएक्ट फास्ट यस और नो यस बिना इंटरेक्शन फोर्स पड़ी ना समझना एक्सप्लोरिंग फोर्सेस कौन एक्सप्लोरिंग फोर्सेस एक्चुअली एक्सप्लोरिंग फोर्सेस माने देखिए बड़े जिन जो ऑब्जेक्ट से एक्चुअली देख ये ऑब्जेक्ट गोटे ये गोटे ऑब्जेक्ट बुझ पार अच्छा फोर्स रो यूनिट के हम कहते न्यूटन कौन कहते न्यूटन है कि नहीं न्यूटन जेमिति वेट को हम केजी आउ कोन से लिक्विड को मापते लीटर रे सेमिति फोर्स को मापते न्यूटन रे समझ कि नहीं तर एक अकॉर्ड ए तर एक यूनिट हैला तल नोटिस करो तल ए जो डायग्राम रे दीटा पिला अछंती है कि नहीं ए दीटा ए जो दीटा पिला ए जो बॉक्स टा को पेलु चंदी कुवाड पेलु चंदी दीटा सेम डायरेक्शन पेलु चंदी ना अपोजिट डायरेक्शन पेलु चंदी सेम डायरेक्शन पे लुचे सेम डायरेक्शन लगे नहीं अच्छा माने कर ए जो ए पेज प्लेट है फोर्स अप्लाई कर छके न्यूटन ना 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर छके न्यूटन 50 न्यूटन न्यूटन हो छी न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट
ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମନେକର 30 ନ୍ୟୁଟନ୍ର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଫୋର୍ସ କ'ଣ କହିବି କହିପାରିବି ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଉଭୟର ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଅଛି ଗୋଟେ 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆଉ 30 ନ୍ୟୁଟନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ, ବା ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ କେସ୍ରେ, 80 ନ୍ୟୁଟନ୍, 80 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫୋର୍ସ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣିଲା କି ନାହିଁ ପିଲେ, ତ ଫୋର୍ସ ହେଇଯିବ 50 + 30 ହେଇଯିବ, ତ ହେଇଯିବ 80 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ଆ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଏମିତି ପେଲୁଛି, ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି ପେଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କେମିତି ଅଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କେମିତି ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ମନେକର ଏ ପିଲାଟା 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଏ 40 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିପାରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦାଟ୍ କେସ୍ ଗ୍ରେଟର ଫୋର୍ସ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲର ଫୋର୍ସ 50 - 40, ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ କେତେ ନା 10 ନ୍ୟୁଟନ୍। ଆଚ୍ଛା 10 ନ୍ୟୁଟନ୍ ତାହେଲେ ତା ମୁମେଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ହବ, ଏଇଠୁ ଏମିତି ହବ ନା ଏଇଠୁ ଏମିତି ହବ, ତା ମୁମେଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଏଲଂ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, କ'ଣ କହିଲି କ'ଣ କହିଲି, ଇନ୍ ଦାଟ୍ କେସ୍ the movement of the box is along the direction of force, direction of greater force ଆମେ କହିପାରିବା ବା larger force, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାର ଲାର୍ଜର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଲାର୍ଜର ଫୋର୍ସ ଥିବ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେଟା ମୁଭ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଲାର୍ଜର ଡିରେକ୍ସନ୍ 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏଟା ମୁଭ୍ କରିବ, ଠିକ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଛୁଆ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କଲେ, ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ କରୁଥିଲେ ଫୋର୍ସ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା କହୁଛି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗେମ୍ ଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ କହିଲ, କଣ କହନ୍ତି, ଲାଗି ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଯାହାର ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ହେବ ସେ ସେଆଡ଼କୁ ସେ ଟାଳିବ, ନୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯଦି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଅନ୍ଦର, ଆଡ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଅନ୍ଦର ମାନେ ସେ ଫୋର୍ସ ଭିତରେ ଆଡିସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଡିସନ୍ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆଡିସନ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଫୋର୍ସ, ୟେ ସର୍ ନୋ, ଯଦି ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି ହେଲା, କହୁଛି ଇଫ୍ ଦ ଟୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେନ୍ ଦ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଫୋର୍ସେସ୍, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ,
ପିଲା କି ନାହିଁ ଯେମିତି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝୁଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଫୋର୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ ବୁଝୁଛି 50 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଁ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ନା ଦେଇନି ଆରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ଅଛି ଫୋର୍ସର କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 50ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି 50ଟା ହେଉଛି କ'ଣ 50ଟା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ 50ଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କହନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋର୍ସର କ'ଣ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଫୋର୍ସ ହାଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ 50 ଆଉ 30ରେ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି 80 ଯଦି 50 ଆଉ 30 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଉଛି 20 ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍ ଯଦି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟେସ୍ ସାର୍ ନୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କେସ୍ରେ ଏଇଠି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋହନ କୁହ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସରି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା କୁହ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ସୋହନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିବ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯୁଆଡ଼େ ସେଟା ହେଇଯିବ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ୟେସ୍ ନୋ ଓକେ ଏତିକି ହେଉଛି ଫୋର୍ସ କଥା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସର ଇଫେକ୍ଟଟା କାହା ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସର ଇଫେକ୍ଟଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାପରେ କେତେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ୟେସ୍ ନୋ କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ କେତେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ତ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଲେ ଦ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ବୁଝିପାରୁ ନା ଆରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ନା ନା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ମନେକର ଶୁଣ ଇଏ ସେମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ସେମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ୱେଟ୍ ସବୁ ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ହେଲା 50 କେଜି ଇଏ ବି ସେମ୍ 50 କେଜି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ମୁଁ ପକେଇଲି 20 ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେମ୍ ଫୋର୍ସ ନୁହଁ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକେଇଲି ମନେକର 15 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେମ୍ 20 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ପକେଇଲି ଆଉ 15 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ପକେଇଲି କେମିତି ପକେଇଲି ଏମିତି ପକେଇଲି ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ବାହାରୁଛି ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ବାହାରିବ କେତେ ବାହାରୁଛି କହୁନା 35 ନ୍ୟୁଟନ୍ ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ନୋ ଦିସ୍ 20 + 30 20 + 15 ୱିଲ୍ ବି 35 ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ବାହାରୁଛି ଏଇ କେସ୍ରେ 20 - 15 ୱିଲ୍ ବି 5 ନ୍ୟୁଟନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ତ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେମିତି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ତ ଏଇଠି ତ ଉଭୟ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସମାନ ହେଉଛି ଏଠି ବି ସମାନ ଯାହା ଅଛି ଏଠି ବି ସେମ୍ ଅଛି
ହଁ ଯେତେବେଳେ 8 ବାର୍ ସେ 35 ନ୍ୟୁଟନ, 8 ବାର୍ ସେ 5 ନ୍ୟୁଟନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ସେଠି 35 ନ୍ୟୁଟନ ନେଉଛି? ତୋର ତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ସେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କାହା ଉପରେ? କାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ତାର ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ, କାହା ଉପରେ? ସେ ଫୋର୍ସ ର ଡିରେକ୍ସନ କେମିତି, ଯଦି ସେମ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଆଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ୟେସ୍ ସାର୍। ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ, ଡିରେକ୍ସନ ବଦଳିବ ଯଦି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଡିରେକ୍ସନ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ହେଉଛି ବୋଲି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ 35 ନ୍ୟୁଟନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଠି ଡିରେକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ 5 ନ୍ୟୁଟନ ଆସିଛି, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା ବୁଝିପାରୁନ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ରିପିଲେ, ବେଶୀ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ଇଜ୍ ଦେର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ? ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଛୁଆ ପାଠ? ହଉ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଫୋର୍ସ କ'ଣ କହୁଛ? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପାଠ ବୁଝି ହଉଛି? ସାର୍ ଓକେ।